के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना को लेकर जाहिर की चिंता। कहा कल सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक, सोमवार को सभी एम्स के साथ की जाएगी मीटिंग। भारत की बड़ी सफलता, पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ। यूनाइटेड किंगडम के गृह मंत्री ने दी प्रत्यार्पण की मंजूरी, फरवरी में लंदन कोर्ट ने दी थी प्रत्यार्पण की मंजूरी। देश भर में कोरोना का कहर तेज, लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 1185 लोगों की हुई मौत। हरिद्वार कुंभ पर कोरोना का कहर जारी, 50 से ज्यादा साधुओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 2 अखाड़ों ने किया ऐलान, 17 अप्रैल के बाद कर देंगे कुंभ से वापसी। भरतपुर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर रैली का हुआ आयोजन, पुलिसकर्मियों ने मास्क लगाकर रैली निकाली, अनोखे ढंग से लोगों को कोरोना के प्रति किया गया जागरूक। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं हूं ईशानी कार्की और खबरों की शुरुआत करेंगे हनुमानगढ़ में। फर्जी डॉक्टर लोगों की जान से खिलवाड़ करता हुआ पाया गया। यहां मेडिकल स्टोर संचालक की गैर मौजूदगी में अन्य शख्स अपनी झोला छाप डॉक्टरी से लोगों की जान को जोखिम में डाल रहा था। वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उसकी गलती पर उससे सवाल किया गया तो झोला छाप ने युवक को धमकाया। इस पर उसने CMHO से नंबर पर कंप्लेन दर्ज करवाई है। फिलहाल देखना होगा कि अब किस तरह से इस झोला छाप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें इस तरह की हमें शिकायत पहली बार प्राप्त हुई है, पूर्व में कोई शिकायत प्राप्त हुई नहीं है, तो आप हमें बता रहे हैं तो आगे देखते हैं हम कार्रवाई करेंगे। अगर इस तरीके की टीके लगाए जा रहे हैं, इस तरीके का कुछ है तो आगे कार्रवाई करेंगे हम। और हनुमानगढ़ जिले की विधानसभा रावतसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बार फिर से ग्रामीणों का डॉक्टरों पर गुस्सा फूटा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि कुछ मरीज 9 बजते ही सरकारी अस्पताल में पहुंच गए थे, वहीं कुछ मरीज 10 बजे के बाद अस्पताल में पहुंचे, लेकिन उनको डॉक्टरों ने फिर भी दवाइयां लिखकर नहीं दी। डॉक्टर्स ने एक्सरे और ब्लड टेस्ट करवाने के लिए मरीजों को बाहर भेज दिया। जब मरीज टेस्ट करवाकर 10:30 के आसपास वापस आए तब डॉक्टर रूम लॉक करके अपने घर चला गया। और उधर रोहतास के धरहा निवासी दिनेश सिंह की बेटी सपना ने दिल्ली में CWG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तत्वाधान में आयोजित जूनियर नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे जिले के साथ साथ अपने गांव का भी नाम रोशन किया है। सिख गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 9 से 10 अप्रैल तक आयोजित इस प्रतियोगिता के फाइनल में सपना ने खेल में बेहतर प्रदर्शन करते हुए हरियाणा की टीम को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सब अच्छा ही होता है क्योंकि सफर तो सबके अच्छे जाते हैं, लेकिन उसके पहले जो चीज स्ट्रगल हुआ उसका तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया 9-9 घंटा। यहाँ तक काम सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम तो यहाँ के लोग भी करते हैं, बाहर में भी जो है वो भी करते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। उसमें मैंने यही चीज किया कि काम अपना करने के साथ देखा कि कैसे स्ट्रगल करना है, उसको मैंने सीखा। और यहाँ तक मोटिवेशनल वीडियो में देख के सीखी कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। मेरे को डाइट अच्छे नहीं मिल पाते थे, उसमें भी मैंने सोचा कि ठीक है डाइट सही नहीं है तो क्या हम सही है ना, हम हो सकता है कि आज पसीना गिरा तो कल मेरा पसीना की कीमत मिल जाए। और मैंने उसका अपना किया। और नीतीश कुमार जी ने ये चीज़ भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं इस चीज़ का भी फॉलो करती हूँ। बेटी को पढ़ाई के लिए छोड़ा जा रहा है तो पढ़ाई ही करे, ये नहीं कि ठीक है पेरेंट्स छोड़ के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका हम लोग को फायदा उठाना है। और कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या केंद्र और राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए की लागत में बना रेलवे आइसोलेशन कोच जो है वो लोगों के लिए दिक्कतों का सामना भी लोग इसके कारण कर रहे हैं। इस दौरान करीब 7 महीने से ये बेकार खड़ा हुआ है। वहीं बिहार के सभी अस्पताल में बेड फुल हैं जिस कारण मरीज बेहाल है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया आइसोलेशन रेलवे कोच बेकार पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। बिहार में दिन प्रतिदिन कोरोना की आंकड़ा बढ़ते जा रही है।
ऐसे में राजधानी पटना की बात की जाए या बिहार के अन्य जिला की बात की जाए तो पूरी तरीके से चपेट में है कोरोना के लेकर। कोरोना को लेकर जो कहा जाए, राजधानी के कई बड़े हॉस्पिटल की बात की जाए तो सारे जगह बेड फुल हो गई है। ऐसे में राजधानी पटना के PMCH हॉस्पिटल को लेकर चाहे IGMS के कही जाए तो सारे जगह बेड फुल हो गई है। अभी हम पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है, यहाँ पर देख सकते हैं एक आइसोलेशन कोविड को लेकर एक बनाया गया था, जो पूर्व में ही बनाया गया था, जब उस समय जब कोरोना काल था 2020 में, उस समय ही इस कोच को बनाया गया था। इस कोच को देख सकते हैं पाटलिपुत्र स्टेशन के ऑटो सिंगल पर ही इस कोच को खड़ी किया हुआ है, लेकिन अभी तक इसमें देख सकते हैं कुछ जो कोविड को लेकर जो कहा जाए तो या जो पेशेंट जो लगातार बढ़ रही है उस पेशेंट को लेकर इसमें कोई किसी भी तरीके के व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से देख सकते हैं आप जो कोच के डिब्बे देख सकते हैं पूरी तरीके से पुराने हो गए हैं और इसमें कचरा भी वगैरह भी लगा हुआ है। और जिस तरीके से राजधानी पटना में पूरी तरीके से जितने हॉस्पिटल है सारे हॉस्पिटल में कोविड का बेड फुल हो गई है। लगभग कहा जाए तो केंद्र सरकार के तरफ से करोड़ों रुपया की लागत से इस तरीके से आइसोलेशन बेड बनाया गया है रेलवे के तरफ से, लेकिन इस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। ये ऑटो सिंगल पर इस तरीके से खड़ी किया हुआ है। आप राजधानी पटना की बात की जाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल की बात करें तो पूरी बेड तरीके से फेल हो गया। चाहे शमशान घाट की बात की जाए तो शमशान घाट पे जो मृत्यु हो रहा है उनको लेकर वहाँ पे भी पूरी तरीके से व्यवस्था जो है दुरुस्त नहीं है। चाहे हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में भी दुरुस्त नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई लेवल बैठक कर रहे हैं, लेकिन बैठक का उनका कोई किस तरीके से मसला नहीं कर रहा है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, पटना। और पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस की नेता सुजाता मंडल के द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस कड़ी में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, सांसद अरुण साव, महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी और जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां तृणमूल कांग्रेस नेता के खिलाफ सामाजिक समरसता बिगाड़ने और साथ ही कई अन्य चीजों को लेकर कार्रवाई की मांग करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। पिछले 10 सालों से पश्चिम बंगाल में TMC की सरकार रही। अभी लगातार चुनाव के चरण में हमने जिस प्रकार से देखा कि किस प्रकार से वहां पर उपद्रव हुए, हिंसा हुए, मीडिया पर भी लगातार आक्रमण पश्चिम बंगाल में हुई है और ज़्यादातर TMC ही के कार्यकर्ता रहे हैं, और अब चार चरण के चुनाव के बाद जब उन्हें लगा कि हार निश्चित है तो किसी तरह से पोलराइजेशन करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति वर्ग को अपमानित करने का काम TMC के एक प्रत्याशी ने किया है। निश्चित रूप से ये देश के अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान है, देश के संविधान का अपमान है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और PCC चीफ मोहन मरकाम के निर्देश पर कोरोना रोकथाम की दिशा में प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के 5 सदस्यों की टीम बनाई जा रही है, जहां 5 सदस्यों वाली गठित टीम न सिर्फ जिला प्रशासन के कामों की मॉनिटरिंग के रूप में काम करेगी बल्कि विशेष रूप से कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम करेगी ताकि वैक्सीनेशन के कार्यों में तेजी आए। इसके साथ ही अस्पतालों में सबसे जरूरी ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से होती रहे, इसे लेकर भी ये टीम काम करेगी। देखिए, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय CM साहब और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन मरकाम जी ने ये निर्देश दिया कि प्रत्येक जिला कार्यालय में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए जिसमें 5 सदस्यीय समिति होंगे। उस समिति का मुख्य उद्देश्य है कि प्रशासन से समन्वय स्थापित करके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कमियां हैं या अपने जो गरीब वर्गों या जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री के पहुंचाने की बात हो, ये तमाम बातों को प्रशासनिक समन्वय स्थापित करते हुए एक कंट्रोल रूम की स्थापना करना है जिसमें 5 सदस्यीय समिति वो पूरे जिले में वॉच करेगी। जहाँ भी कुछ कमी ऐसी नज़र
नजर आती है या कोई निर्देश देना हो या माननीय कलेक्टर या प्रशासन से कोई बात करनी हो तो ये जो है समन्वय स्थापित करने का काम। और धौलपुर में कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिले में सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए वेंटिलेटर, बेड, बिस्तर और लाखों रुपए कीमत के उपकरणों की भरमार है, लेकिन यहाँ पर मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर की संख्या बहुत कम है। जिला अस्पताल सहित जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के करीब 33% पद खाली पड़े हैं। अस्पतालों में 270 डॉक्टर्स होने चाहिए जबकि काम सिर्फ 155 डॉक्टर्स कर रहे हैं। हालत यह है कि सरकारी अस्पतालों में सिर्फ प्राथमिक उपचार ही किया जा रहा है। मरीज की हालत गंभीर होने पर ग्रामीण इलाकों से उसे जिला मुख्यालय और जिला मुख्यालय से जयपुर, आगरा और ग्वालियर के लिए उसे रेफर कर दिया जाता है। धौलपुर में चिकित्सा अधिकारियों की सब चिकित्सक 90 पोस्ट हमारे यहाँ स्वीकृत हैं, जिसमें से 55 पोस्ट ऐसी हैं जो भरी हुई हैं, चिकित्सक कार्यरत हैं, 35 पोस्ट अभी हमारे यहाँ वेकेंट हैं डॉक्टर्स की। आपने सरकार के लिए कुछ लगाने की आदेश? हम लोग बार बार सरकार से और माननीय विधायकगण से निवेदन करते रहते हैं। जिला चिकित्सालय चूँकि SMS अस्पताल से राजधानी से लगभग 250-300 किलोमीटर दूर है और जिला चिकित्सालय दो स्टेट के बीच में बसता है, चिकित्सकों की अत्यधिक आवश्यकता रहती है। उनसे निवेदन बार बार हम लोग करते हैं कि जिला चिकित्सालय को चिकित्सा के क्षेत्र में सशक्त बनाने की जरूरत। धौलपुर जिले की प्रत्येक CSC PSC में चिकित्सक कार्यरत है और संख्या के अनुमानित करें हैं तो निश्चित रूप से 33% पोस्टें खाली हैं और सब जगह लगे हुए हैं चिकित्सक। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ चिकित्सक। कोरोना की तैयारी की गई? कोरोना की तैयारी में जहाँ हम बात करते हैं तो इसमें हमने 205 बेडों की ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडों की व्यवस्था कर रखी है, ICU के 25 कलम कर रखे हैं और प्रत्येक CSC PSC पर ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था कर दी गई, तो इसमें पूरी तैयारी। और सहाड़ा के कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन से रिक्त हुई इस सीट के उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदान दल तीसरे और अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान के लिए रवाना हुए। इस विधानसभा क्षेत्र में 387 मतदान केंद्रों पर 247,400 मतदाता हैं, इसमें से 124,100 पुरुष हैं, साथ ही 123,300 महिलाएं मतदाता इस दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। और बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर CM ने इस दौरान चिंता जाहिर की है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर छतरपुर वॉलंटियर की सराहना की। इस दौरान श्योपुर, छतरपुर के साथ ही अन्य जिलों में वॉलंटियर्स के द्वारा दीवार लेखन, मास्क वितरण, दुकानों पर मास्क नहीं हो तो सामान नहीं के पोस्टर चिपकाने पर CM शिवराज सिंह चौहान ने उनकी सराहना की है। और जोधपुर में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने एम्स के निदेशक और चिकित्सा अधिकारियों के साथ एम्स के प्रशासनिक खंड में चर्चा की। जिला कलेक्टर ने कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के ट्रेंड, ऑक्सीजन की उपलब्धता, ICU बेड और वेंटिलेटर आदि की उपलब्धता सहित चिकित्सकीय परामर्श और अन्य आवश्यक मुद्दों को विचार विमर्श किया है। और धौलपुर की बाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनरेगा मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी की 34 लाख से अधिक की राशि को अपने और अपनी पत्नी के खातों में ट्रांसफर किया था। 18 मई 2020 को बाड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ गबन का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। पंचायत समिति बाड़ी ने दिनांक 15/4/18/5/20 को एक मुकदमा दर्ज करवाया था और उसमें सुमित बघेला के खिलाफ ये मैटर दर्ज हुआ था। उसमें 34,85,454 रुपये का गबन बताया था
और उस प्रकरण की तफ्तीश जब से चल रही थी, तफ्तीश पूर्ण होने पर इसको गिरफ्तार किया है और उससे बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है और अदालत में पेश कर इससे रिमांड हासिल कर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जोधपुर राज्य सरकार द्वारा दूसरे दौर के कोरोना को देखते हुए दो दिन के कर्फ्यू को लेकर जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने मीडिया से बात की। कमिश्नर ने बताया कि दूसरे दौर का कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, इसकी चेन ब्रेक करने के लिए सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान अति आवश्यक सेवा से जुड़े लोग हों या फिर जरूरी काम के लिए घर से बाहर जाने वाले लोगों को ही इजाजत दी जाएगी, साथ ही बाकी लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। बढ़ रहे सेकंड वेव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसमें सबसे कारगर स्टेप है ब्रेक द चेन, और चेन ब्रेक करने के लिए लोगों का आवागमन, जो आपस में जो इंटरेक्शन है उनके ऊपर एक बार रोक लगना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज शाम के टाइम 6 बजे से कर्फ्यू लागू होगा और 6 बजे से लेके मंडे सुबह तक कर्फ्यू लागू रहेगा। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। एक, मास्क लगाएं अब हर एक, करे कोरोना पे वार, 3-4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सारा आलम सो जाए तुम मुझे से। अब चाहे रब रूठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर। को लगता है कि अगर यार कोई घर पे आ गया और ऐसे चले जाए तो धर्म पत्नी डिसाइड कर देती है कि कहाँ जाना है। जो पत्नी है वो तो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी सुख दुख की साथी है। जो अपना सोचते हैं वो करके ही रहना है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ऐसी पत्नी। सब्जी लेने तो मैं भी जाता हूँ, कहाँ जाते हैं, दोनों जाते हैं। और खास तौर से जो पति पत्नी होंगे तो वे के संदर्भ में ये बहुत सुंदर पहल छ। पूरे वे राजा रे मालू साई। नमस्कार, कोरोना फिर लौट आया है, इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी ये है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेके बिल्कुल लापरवाही ना करें, मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें, इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले एक साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। कहाँ लगा फिल्मों का सेट, कौन किसे कर रहा है डेट, तीखी मिर्ची पर आपको मिलेगा सारा अपडेट। कुछ गॉसिप, कुछ चटकारे, किसके चमके सितारे, किसको दिन में दिखे तारे, किसकी फिल्म को मिली कितनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। अब बुलेटिन में खबर हनुमानगढ़ से, जहां ग्राम पंचायत जटावाली के सरपंच का कार के साथ मोटरसाइकिल की टक्कर होने से एक्सीडेंट हो गया। इसमें सरपंच के एक पैर और एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। इसके बाद उन्हें जिले के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया।
और उधर राजस्थान के भरतपुर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस स्थापना दिवस को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से इस दिन को बड़े ही अनोखे ढंग से और आमजन को जागरूक करने के लिए पुलिस कर्मियों के रैली के माध्यम से मनाया गया। पुलिस के स्थापना दिवस की इस रैली को भरतपुर के बिजलीघर चौराहे से पुलिस महानिरीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्थापना दिवस राजस्थान का जो पुलिस स्थापना दिवस है उसके तहत आज हमने जन जागरूकता रैली निकाली है और कल जैसे रणबार सर और धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक की थी, उन्होंने एग्री किया था कि हम जो शाम का जो नाइट कर्फ्यू है उसकी हम पालना करेंगे। इसके तहत आज आईसी के ये हमने करी है। इसमें कल रात को नए निर्देश राज्य सरकार की ओर से ये भी आए हैं कि वीकेंड में मतलब सैटरडे फ्राइडे शाम से सैटरडे संडे सोमवार सुबह तक कर्फ्यू रहेगा, तो उसकी डिटेल गाइडलाइंस हम आपको देंगे। इसमें बाकी अन्य प्रोग्राम निरस्त है, लेकिन हमने इसको एक जन जागरूक रैली के तौर पर ताकि अपने स्थापना दिवस के तौर पर एक रैली निकालते हुए कोविड के जो नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाकर फिजिकल डिस्टेंस करते हुए और शहर में एक जागरूक रैली ताकि आम आदमी पुलिस को देखकर जागरूक होगी जब हम सब मास्क लगाकर चल। और उधर किशनगंज के एक कपड़ा व्यापारी ने व्यापार में घाटे के बाद उधार का पैसा ना चुका पाने पर दोस्त के साथ मिलकर खुद के अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। अपने ही पिता से 60 लाख के दौरान फिरौती मांगी गई। किशनगंज पुलिस ने फर्जी अपहरण कांड का खुलासा कर कपड़ा व्यापारी के बेटे विशाल डागा और उसके दो साथियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। खुद का ही अपहरण कराया क्योंकि इसके ऊपर कुछ बिजनेस के दौरान लोन चढ़ गया था, कुछ कर्ज था, घर वालों से इसने पैसे मांगे और घर वालों ने पैसे नहीं दिए, उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, तो इसने प्लान करके अपना किडनैप करने का और 60 लाख रुपए की डिमांड करी थी, जिसमें बंटवारे का हिस्सा ये होना था कि 45 लाख विशाल डागा खुद रखने वाला था और 15 लाख अपने दोस्तों में बाँट देता। तो इस प्रकार किशनगंज पुलिस द्वारा इस मामले की तत्परतापूर्वक जांच की गई और मामला फर्जी साबित हुआ है और इसमें जो शामिल चारों लोग हैं उनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। और उधर राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया वीकेंड कर्फ्यू जो सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा, इस आदेश के पालन के लिए कोटा जिले में पुलिस के द्वारा पूरी तरह से मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। कर्फ्यू सीमा में केवल राशन की दुकानें, चिकित्सा सेवाएं और औद्योगिक इकाइयों पर गाइडलाइन के अनुरूप संचालित करने की इजाजत दी जाएगी। कर्फ्यू नियमों का जो लोग पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी पुलिस के द्वारा कही गई है। राज्य सरकार तरफ से स्पष्ट आदेश है कि आज शाम 6 बजे मतलब 16 तारीख को शाम 6 बजे से और 19 तारीख को सुबह 5 बजे तक कंप्लीट कर्फ्यू रहेगा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर। आवश्यक सेवाओं की जो राशन की दुकानें हैं ये चालू रह सकती हैं और भी अन्य चिकित्सा संबंधी जो आवश्यक सेवाएं वो चालू रहेंगी और जितनी भी ये जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं इनमें भी जो अगर ठहरने की किसी व्यवस्था है तो वो मजदूर वहाँ गाइडलाइन की पालना करते हुए उनको संचालित रख सकते हैं। बाकी जो आवागमन में जो बाहर के मजदूर आए वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। ये औद्योगिक इकाइयों में जो बाहर से आ रहे हैं मजदूर वो उनकी सबकी छुट्टी रहेगी। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आम हो या खास बड़ी संख्या में लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बिलासपुर के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और उनकी पत्नी शशि अग्रवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पूर्व मंत्री ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है, साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। और कोरोना से मौत के आंकड़ों के बीच आगर के मोक्षधाम की तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं, जहां शमशान घाट में कोरोना से हुई मौत के बाद शवों को पीपी किट के साथ ही अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। इस दौरान आसपास जानवरों का झुंड शवों को निवाला बनाता हुआ नजर आया। अब ऐसे में मौत के बाद शवों की दुर्गति को लेकर प्रशासन से भावनाओं का ध्यान रखने की उम्मीद की जा रही है। मुक्तिधाम में जो सूचना प्रसारित हो रही है ये पूर्णतः गलत है। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से जब दाह संस्कार किया जाता है तो संबंधित जो भी व्यक्ति दाह संस्कार करता है उसकी पीपी किट चिता के साथ ही जलाए जाने का प्रावधान है कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से। कल की घटना जो हुई है उसमें पीपी किट का एक टुकड़ा उड़ के बाहर गिर गया था, उस टुकड़े को कुत्ते द्वारा नोचा गया
और इस प्रकार से ये सूचना गलत प्रसारित हो गई। उसके लिए भी अब शासन द्वारा SDM महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि एक टीम का कंटेनर करीबन 4 फुट का कंटेनर के अंदर ही अब प्रीति किट को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो आगे से इस प्रकार की जो छोटी छोटी मिस्टेक है। वहीं ग्वालियर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान एक सेक्स रैकेट का क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ किया है। ये सेक्स रैकेट ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में न्यू कलेक्ट्रेट के पीछे संचालित किया जा रहा था। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने पहले इसकी छानबीन की, जिसके बाद आनन फानन में रेड की गई। इस दौरान क्राइम ब्रांच पुलिस को सेक्स रैकेट की छापेमारी की कार्रवाई में 5 युवतियों के साथ कई युवक इस दौरान दिखे हैं, जिसके बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। द्वारा आशंका व्यक्त की गई थी कि अनैतिक व्यापार से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। इस संबंध में तस्दीक के लिए आज हमने वहां पर छापा मारा तो वहां पर 5 लड़कियां जो कि 4 दिल्ली में एक कलकत्ता की होनी बताई जा रही है, लड़कियां और एक लड़का आपत्तिजनक अवस्था में वहां पर मिले हैं और 500 का राउंड अप करके पूछताछ की है। 5 लड़की और दमोह उपचुनाव की वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने सत्यारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मंत्री की गाड़ी से पैसा बांटा जा रहा है। वहीं विरोध करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया के से भी ये बात करने की बात कही। साथ ही उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से आरोप लगाया है कि भाजपा दमोह उपचुनाव में पैसा बांट रही है। उन्होंने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।